अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेजिटेबल पिकल बनाना सिखाऊंगी और ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं बल्कि इंस्टेंट मेथड है। इसके लिए आप एक पॉट में पानी बॉयल होने के लिए रख दें। उसके बाद उसमें जो भी वेजिटेबल्स आप चाहते हो आप ऐड कर दो। इसमें कैरेट्स ऐड कर दें। उसके बाद आप इसमें कैबेज जो है ना वो धो के ऐड कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई और वेजिटेबल पसंद करते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हो, वो भी इसमें बहुत मज़ेदार लगते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको हाई फ्लेम पर रख दें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद फिर आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन्हीं वेजिटेबल्स को इसी पानी में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आप इस जार में ये अचार मसाला लीजिए, लिस्ट यहाँ पे गिवन है। और इसके ऊपर आप विनेगर ऐड करते हैं। इसके बाद आप वेजिटेबल्स को इसमें डालना स्टार्ट कर दें। और अगर ये बॉयल किया हुआ पानी भी साथ में जाता है तो खैर है, लेकिन आप इसमें वो पानी ऐड ना कीजिए जो बॉयल ना हो। ये बॉयल किया हुआ पानी आधा ऐड करें, आधा विनेगर है। और वेजिटेबल्स ऊपर से आप टर्मरिक ऐड कर दें, कलर अच्छा आएगा इससे। और इसके बाद आप इसको बिल्कुल फुल कर दें विनेगर से। और अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें बाकी पकाया पानी भी डाल सकते हो, ये बॉईल किया हुआ पानी। लेकिन ज़्यादा मज़ेदार तब बनता है अगर आप 50% पानी और 50% आप इसमें विनेगर ऐड कर दें। ये बिल्कुल इंस्टेंट अचार है, आप इसको कुछ घंटों बाद खा सकते हैं क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को बॉईल किया हुआ है। ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। गार्लिक भी बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल एयर टाइट जार में बंद कीजिए। मैं इसमें सॉल्ट डालना भूल गई थी, वो आप इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हो। और मसाला डालते हुए भी आप इसको ऐड कर सकते हो सॉल्ट को। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दीजिए। और हमारा इंस्टेंट अचार बिल्कुल तैयार है।